विपक्ष में उनका अपराध या उनके अन्याय की घोषणा करने नहीं आई हूँ, अपितु मैं उनके कर्तव्य में आ रही कमियों जिन पर उनका ध्यान नहीं है सिर्फ उधर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। अभी मेरे प्रतिपक्षी पक्ष साथी ने कहा कि कहीं भी रेप कांड होता है, पुलिस ने एक रेपिस्ट को गोली मारकर अपनी सांस को सब लहराया है। मैं पूछना चाहती हूँ कि आए दिन हो रहे रेप कांड क्या ये सबूत दिखाते हैं कि हमारी पुलिस इसलिए काम करने में नाकाम हो रही है? एक रेपिस्ट को मार रहे हैं तो 10 रेपिस्ट जन्म ले रहे हैं। मैं उस पुलिस वालों से पूछना चाहती हूँ, आप अधिकारियों से पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी नारी सुरक्षित है? क्या आज की कितनी नारियां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की तरह उड़ान भरना चाहती हैं? अगर हाँ, 80% लड़कियां बनना चाहती हैं, उनके विचारों पर खरी उतरना चाहती हैं, तो उनकी आवाजों को रोक दिया जाता है। मैं स्वयं भी एक गांव से हूँ, मुझे खुद भी रोका जाता है। मैं खुद भी घरेलू हिंसा की शिकार होती हूँ। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले, मेरे माता पिता यही पूछते हैं कि आज के डेट में पुलिस कोई अच्छे काम नहीं कर रही है। आज ये रेप पक्काइस्ट हो रहे हैं, रेपिस्ट मर रहे हैं, हत्याकांड हो रही है, जिनका कानून में अपराध इतना बढ़ता जा रहा है और अन्याय अत्याचार इतना बढ़ता जा रहा है, लेकिन हमारा कानून न्याय लाने में 7-8 साल लगा देते हैं। एक निर्भया कांड के ऊपर हजारों निर्भयाओं को घर में बैठा लिया जाता है, गोल गोल रोटियां सिखाने दी जाती है, कहते हैं कि पराए घर जाओगी क्या करोगी। हत्याकांड हो रहे, सड़कों पर अकेली नहीं निकलने देते। मैं इतनी दूर से 25-30 किलोमीटर से मैं स्वयं के लिए मैं आती हूँ, लेकिन मेरे घर वाले सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं बाहर जाऊं, अन्यथा मेरे गांव का कोई भी सदस्य ये नहीं चाहता कि मैं घर से बाहर पैर रखूं। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी व्यथाओं को पार करके यहां आती हूं। मैं 10th में टॉपर रही, मैं 12th में टॉपर रही, मैं अपने गांव की टॉपर हूं, मैंने डीएवी में एडमिशन लिया। शायद यही मेरी गलती है, मेरे गाँव के हर एक लड़का मुझे गलती निजाम से इसलिए देखता है कि मैं दूर पढ़ने जाती हूं, मैं अकेली जाती हूं, मैं किसी की सुनती नहीं हूं, लेकिन मैं इंदिरा गांधी की तरह उड़ान भरना चाहती हूं, समझ नारी की छवि को उड़ना चाहती हूं, इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं अपने पुलिस अधिकारियों से या अतिथिगणों से यही कहना चाहती हूँ कि बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये बात सच है, और आप अपना काम कर रहे हैं ये बात भी सच है, लेकिन मैं अपनी बहनों से ये भी कहना चाहती हूँ, जब तक आप घरेलू हिंसा को स्वीकार करते रहेंगे, अपने अपराधों को सहन करते रहेंगे और कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, तब तक आपकी जिंदगी में कठिनाइयां पीछे नहीं छोड़ेंगे। इसलिए इन सब चीजों की पहल स्वयं इतना घर से होती है, माँ बाप से होती है, माता पिता बहन भाइयों को समान अधिकार दें, समान शिक्षा का अधिकार दें, उन्हें आगे बढ़ने, तभी इन सब की जड़ों का समापन हो सकता है, अन्यथा पुलिस वाले अपना काम करते रहेंगे और घरेलू हिंसा बढ़ती रहेंगी। उन्हें समय पर इलाज दिलवाना, कड़ी धूप में दिन रात हमारे लिए खड़े रहना, गली चौराहे पर खड़े रहना, अपनी जान जोखिम में डालकर। अभी कुछ समय पहले हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी रेप केस हुआ था,
बड़ी चाबाज पुलिस ऑफिसर ने रेपिस्ट को गोली मारकर एक मिसाल पेश की है। मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही पुलिस वाले हमें मिले, हमें ऐसे पुलिस ऑफिसर की बहुत सख्ती सख्त जरूरत है। अंत में बस यही मैं यही बोलना चाहूंगी कि पुलिस वालों की जिंदगी का भी अजीब फसाना है, पुलिस वालों की जिंदगी का भी अजीब फसाना है। तीर भी चलाना है और परिंदों को भी बचाना है, तीर भी चलाना है और परिंदों को भी बचाना है। यहाँ खड़े होते हैं तो पता लगता है उनके पास शब्द ही नहीं, लेकिन आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना अच्छा आपने अपना विचार प्रस्तुत किया। आपके परिणाम अभी आ रहे हैं। कहा जाता है कि जीवन में जीत और हार तो लगी रहती, इतने लोग भाग लिए हैं तो सभी को पुरस्कार तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको इससे निराश नहीं होना चाहिए। आपको पुरस्कार मिले तो भी वाह वाह, अगर नहीं मिला तो भी आपके लिए वाह वाह, क्योंकि आप कम से कम इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया। और कहा जाता है कि असफलता जो है हमारे जीवन में सफलता की कुंजी बनती है। किसी ने कहा है कि असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। तो अगर आपको पुरस्कार नहीं मिला तो आप, मैं कहूंगा कि आप असफल नहीं हैं। अगर आपने भाग लिया है तो आप सफल हैं। आगे भी इस तरह के कार्यक्रमों में आप प्रयास करते रहिए, लगे रहिए। आज आपको प्रथम पुरस्कार